हाय एवरीवन, मैं उस्तीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज कार डेमो में। आज हम आपके लिए डेमो करने वाले हैं JBL बाय हरमन की तरफ से आने वाले पार्टी बॉक्स 310 का, जिसके अंदर आपको मिल जाता है पावरफुल बेस बूस्ट। तो JBL ने अपने इस पार्टी बॉक्स के अंदर क्या क्या आपको नए फीचर्स दिए, कैसी है इसकी साउंड क्वालिटी, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से अगर आपको ये पार्टी बॉक्स अच्छा लगता है तो वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। प्राइस के अंदर कोई भी गैप आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम करते हैं इसके मेन बॉक्स को ओपन। यह है इसका मेन बॉक्स, जहाँ पर आपको मेन इसकी ब्रांडिंग वगैरह मिलने वाली है, पार्टी बॉक्स 310 पावरफुल बेस बूस्ट। और यहाँ पर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह दी गई है। बॉक्स के अंदर आपको देखो ये सब कुछ देखने को मिलने वाला है। जहाँ पे आपको एक्सेसरीज की बात करें तो इसके साथ आपको मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मिल जाती है एक पावर केबल और वारंटी कार्ड, ये आपको इसके साथ मिलने वाला है। और उसके बाद इसके अंदर मिलने वाली है आपको इसकी जो मेन बॉडी है। ये है देखिए इसका मेन यूनिट, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है, और जो इसकी बॉडी की क्वालिटी है, प्लास्टिक की क्वालिटी है, वो भी काफ़ी प्रीमियम है। आप इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। और यहाँ पे इसके गार्ड्स दिए गए हैं, तो आप इसको इस तरह से या फिर इस तरफ से, दोनों तरफ से आप इसको रख सकते हो। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको इसके पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप इस पार्टी बॉक्स को पूरा कंट्रोल कर सकते हो। और पीछे की तरफ यहाँ पे आपको इसके दो व्हील्स भी मिल जाते हैं, अगर आपने इसको मूव करना है तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका हैंडल, इसको आसानी से मूव करने के लिए। तो कुछ इस तरह का JBL ने अपने इस पार्टी बॉक्स 310 के अंदर आपको डिज़ाइन दिया है। यूज़ करने के लिए यहाँ पर इसका पूरा कंट्रोल पैनल दिया गया है, जहाँ से सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इस बटन से। तो ये है इसका वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन, जिसके सेंटर में आपको मिलता है प्ले एंड पाउज का बटन। उसी के नीचे ठीक आपको मिल जाता है बेस बूस्ट का, अगर आपको बेस ज़्यादा चाहिए तब आप यहाँ से इसके बेस को बूस्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको ऐसे ऑफ भी कर सकते हो। उसके बाद जैसे अभी ये ऑफ हो चुका है तो यहाँ से ब्लू लाइट हट जाती है, आप ऑन करोगे तो ये ब्लू लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ से आप बेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप ट्रेबल को कम या ज़्यादा कर सकते हो, यहाँ से आप इको को कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये तीन पॉइंट्स और मिल जाते हैं, जहाँ से आप मिक्सिंग वगैरह, अगर जब गाने चल रहे होते हैं या फिर आप गिटार बजा रहे हो तो ऐसा कुछ कर रहे हो, या फिर माइक पे कुछ गुनगुना रहे हो, सॉन्ग्स गा रहे हो, तब यहाँ पे आप कुछ भी मिक्सिंग कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पे तीन अलग अलग तरह की मिक्सिंग की गई है। उसके बाद साइड में यहाँ पे आपको मिल जाता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अगर आप ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो तो वो यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। और यहाँ से आप इसकी जो ये सामने की लाइटनिंग है, इनको आप इस बटन से चेंज कर सकते हो। इस तरह से अलग अलग तरह की आप इसके अंदर लाइट्स को यूज़ कर सकते हो, डांसिंग लाइट्स को। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है इनपुट, इस बटन से आप इनपुट चेंज कर सकते हो, ब्लूटूथ, USB या फिर ऑक्स। तो ये सिवरा इसका पूरा कंट्रोल पैनल है। ऊपर की तरफ यहाँ पे इसका हैंडल दिया गया है, जहाँ से इस पार्टी बॉक्स को आप कहीं भी मूव कर सकते हो। अगर आपको इसको बाहर निकालना तो इसको जस्ट नीचे प्रेस करना है और ये बाहर निकल आएगा इस तरह से। आप उसके बाद इसको पूरा कहीं भी, पीछे जो व्हील दिए गए हैं उससे इसको कहीं भी मूव कर सकते हो। वापस से आपने डालना है तो इसके नीचे यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाता है, इसको प्रेस करना है आपने और उसके बाद नीचे ऐसे कर देना है। बैक साइड में आपको इसकी मिलने वाली है पूरी की पूरी कनेक्टिविटी, जहाँ पे आपको, यह है इसका मेन कनेक्शन बॉक्स। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे आपको सारी कनेक्टिविटी मिलने वाली है, जैसे कि यहाँ पे आप USB लगा सकते हो, यहाँ से आप अपने माइक के साउंड को जो है कंट्रोल कर सकते हो, या फिर गिटार के साउंड को आप इन दोनों बटनों से कंट्रोल कर सकते हो। इस वाले माइक का जो है ऊपर से कंट्रोल होगा, और माइक और गिटार आप यहाँ पे लगा सकते हो, जो कि यहाँ से होगा। उसके बाद TWS का सपोर्ट आपको मिल जाता है, अगर आप दो या तीन या चार या जितने भी बॉक्स को आप अगर एक साथ यूज़ करना चाहते हो पार्टी बॉक्स को, तो आप आपस में उनको कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप ऑक्स केबल लगा सकते हो, और यहाँ पे आपके माइक और गिटार वगैरह के कनेक्शन होंगे।
यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का आप किसी बैटरी वगैरह से अगर इसके अंदर कोई चार्जर लगाना चाहते हो तो 12 वोल्ट का आप यहाँ पे चार्ज लगा सकते हो। तो ये सब कुछ, ये ऑन ऑफ का आ गया, गिटार के फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो ये सारा का सारा कंट्रोल बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है, और नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाता है इसका पावर कोड का ऑप्शन, जहाँ पे आप पावर कोड लगा सकते हो। तो ये कुछ कुल मिला के आपको इस तरह से आप इस पार्टी बॉक्स को यूज़ कर सकते हो। जो तीन तरह की मिक्सिंग आपको इस पार्टी बॉक्स के अंदर दी गई है उनमें से मैं आपको सुना देता हूँ। जब आप पहले वाली को प्रेस करते हो तो ये साउंड आने वाली है, जब दूसरे वाले को प्रेस करोगे तो ये साउंड आएगी, जब तीसरे वाले को आप प्रेस करोगे तो ये साउंड आएगी। तो कुल मिला के ये तीन आपको इसके अंदर मिक्सिंग दी गई है। कुछ और अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस पार्टी बॉक्स के अंदर आपको 240 वाट की साउंड आउटपुट मिलने वाली है, और आप इसको लगभग 3.5 घंटे के अंदर आप इसको फुल चार्ज कर सकते हो। ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, जिसका जो बैटरी बैकअप है वो लगभग 18 घंटे का है। और मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस घर में इसको किसी पार्टी वगैरह के लिए यूज़ कर रहे हो, अगर पॉसिबल है कोई भी आपका वायर कनेक्शन पास में, कोई बिजली का कनेक्शन, तो रिक्वेस्ट आपसे कि इसको बिजली पे ही चलाएं। उससे आपको जो इसकी साउंड आउटपुट मिलेगी, जो बेस मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है बजाय के बैटरी से। अगर आप इसको बैटरी पे यूज़ करते हो तब आपको इसका बेस, ट्रेबल और वोकल्स वगैरह सब कुछ बजाय के आप जब इसको पावर पे चलाते हो उससे लगभग लगभग आधा मिलता है। तो मतलब जो पावर है इसके वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है, क्वालिटी आपको ज़्यादा बेस्ट नहीं मिलती, बट आउटडोर के लिए काफ़ी बेस्ट है ये। प्राइस रेंज भी इसकी ठीक ठाक है, और प्राइस लिंक इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये JBL का पार्टी बॉक्स 310? मुझे पर्सनली काफ़ी बेस्ट लगता है ये। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसी के साथ आज के डेमो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे ऐसे किसी नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा बाय बाय।